हेलो दोस्तों, ड्राइंग नंबर 26। ड्राइंग नंबर 26 बनाने के लिए सबसे पहले स्केच में जाते हैं, ओके दे देते हैं और कमांड लेते हैं दोस्तों प्रोफाइल। प्रोफाइल कमांड से सबसे पहले शुरू करेंगे हम 35 का ये वाला लाइन से, ठीक है ना। यहाँ पे क्लिक 35 करके एंटर, एंगल रहेगा 90 का यानी एंटर। फिर इस साइड आते हैं दोस्तों, ये लाइन का लेंथ है 15, यहाँ पर दिया हुआ है 15, ठीक है ना। तो 15 करके एंटर एंटर। फिर नीचे की ओर आना है हमें, यहाँ पे दिया हुआ है 10, यहाँ पे 10 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 10 करके एंटर एंटर। फिर दोस्तों हमें ये वाला लाइन बनाना है, ये लाइन का लेंथ इसमें दिया नहीं है, हमें कैलकुलेट करके वो ढूंढना है। 120 का ये लाइन है टोटल, टोटल लेंथ जो है 120 है। 120 में से 15 ये माइनस और 15 ये माइनस, यानी 30 माइनस करना है। 120 में से 30 माइनस यानी 90, तो 90 करके एंटर और एंटर। फिर ऊपर जाना है दोस्तों, यहाँ पे हाइट दिया हुआ है 20 का, तो यहाँ पे 20 करके एंटर एंटर। फिर इस साइड 15, यहाँ पे दिया हो 15, ठीक है ना, इसका भी 15 ही रहेगा, तो 15 करके एंटर एंटर। फिर नीचे आना दोस्तों, नीचे कितना रहेगा इस पॉइंट से, ये पॉइंट है 45 पे, तो 45 में से 10 ये कम, ठीक है ना, यानी 35, 35 करके एंटर एंटर। फिर इस साइड 60 का लाइन हमें बनाना है, ये वाला 60 का लाइन, 60 करके एंटर एंटर। फिर नीचे 10 एंटर एंटर, और फिर यहाँ पे एक क्लिक, ठीक है दोस्तों। अब हमें दोस्तों यहाँ पे एक लाइन बनाना है, यहाँ पे एक लाइन बनाना है, लाइन कमांड, यहाँ पे क्लिक और यहाँ पे आके एक क्लिक लगा देना है, फिर ट्रिम कर देते इसको, ठीक है दोस्तों। तो इतना हमारा प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट हो चुका है, फिनिश स्केच दे देना है। अब दोस्तों इस पूरा प्रोफाइल जो है इसको हमें एक्सट्रूड करना है, एक्सट्रूड कमांड। यहाँ पर हम कनेक्टेड करवा ही रखते हैं, इसके ऊपर एक क्लिक, तो पूरा प्रोफाइल सिलेक्ट हो चुका है और इसको भी सिलेक्ट। डायरेक्शन हमें चेंज कर देना है, यहाँ पे वैल्यू देना है 0 स्टार्टिंग वैल्यू, और एंड का वैल्यू जो है वो 60 रहेगा, यहाँ पे दिया हुआ 60, तो यहाँ पे 60 करके एंटर। और दोस्तों यहाँ पे नन रख देना है और अप्लाई दे देना है, ठीक है दोस्तों। अब इतना जो रेक्टेंगल है यहाँ पे, ये रेक्टेंगल जो है इसको हमें एक्सट्रूड करना है, इसके ऊपर एक क्लिक, फिर ये लाइन के ऊपर एक क्लिक, डायरेक्शन चेंज, इसको एक्सट्रूड करना है कितना, यहाँ पे दिया हुआ है 15, ठीक है ना। तो यहाँ पे 15 करके एंटर, फिर अप्लाई। फिर से इसी रेक्टेंगल को हमें सिलेक्ट करना है, डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, इसको भी सिलेक्ट, पूरा सिलेक्ट। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, अब हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है ना। तो 15 और 30 यानी 45, तो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा हमारा 45 पे, और एंड पॉइंट रहेगा 60, ठीक है ना, टोटल है 60, यानी एंड पॉइंट हमें यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे रहेगा 60, ठीक है दोस्तों। तो ये सही पोजीशन पे आ गया है, अब अप्लाई देना है और कैंसिल कर देते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों इतना मॉडल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, फिर से स्केच में जाना है, यहाँ पे दो होल दिए हुए हैं, ये हमें बनाना है स्केच, इसके ऊपर एक क्लिक सरफेस के ऊपर और ओके। अब यहाँ से इस लाइन से 30 के डिस्टेंस पे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ऑफसेट कमांड लेते हैं हम, डिराइव लाइन, इसके ऊपर एक क्लिक, फिर ऊपर 30 करके एंटर, फिर एस्केप लगाना है, फिर इस लाइन को ऑफसेट लगाना है, यहाँ पे दिया हुआ 20, तो यहाँ पे क्लिक, फिर इस साइड 20 करके एंटर।
फिर इसी लाइन का दोस्तों हमें ऑफसेट लगाना है 45 पे, ठीक है ना। तो 45 करके एंटर और एस्केप। अब इंटरसेक्शन पॉइंट पे, इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ से हमें चालू कर देना है, यहाँ पे क्लिक, फिर 20 करके एंटर और यहाँ पे एक क्लिक। दोस्तों अब जो लाइन हमें नहीं चाहिए उसको हम सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। फिनिश स्केच दे देना है। अब दोस्तों इसको एक्सट्रूड कर देते हैं, ठीक है ना, एक्सट्रूड, इसको सिलेक्ट, फिर इसको सिलेक्ट, डायरेक्शन चेंज, यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो एंटर, और यहाँ पे कुछ भी नाप दे दो चलेगा, क्योंकि हमें थ्रू होल करना है, ठीक है ना। ऐसे खींच लेते एरो से तो भी चलेगा। और यहाँ पे रखना है सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट करने के लिए ये बॉडी के ऊपर एक क्लिक लगाना पड़ेगा और अप्लाई दे देना है या फिर ओके डायरेक्ट दे देना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा ये मॉडल जो है कंप्लीट हो चुका है। अगर दोस्तों ड्राइंग समझने में कुछ भी दिक्कत है तो प्लीज़ इसको एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। हेलो दोस्तों, ड्राइंग नंबर 27, ये ड्राइंग हम बनाते हैं। ड्राइंग को थोड़ा हम जूम कर देते हैं दोस्तों। दोस्तों ये ड्राइंग बनाने के लिए हमें कमांड का यूज करना है, लाइन कमांड का। सबसे पहले स्केच में जाते हैं, ओके देते हैं। दोस्तों एक लाइन हमें बनाना है ये वाला 75 का, और एक लाइन बनाना है ये 100 का, ठीक है ना। तो लाइन कमांड यहाँ पे एक क्लिक, फिर ऊपर 75 करके एंटर, एंगल रहेगा 90 का यानी एंटर, फिर यहाँ पे एक क्लिक, फिर इस साइड 100 करके एंटर, 0 का एंगल यानी एंटर, ठीक है दोस्तों। दो लाइन हमने बना लिया है। अब दोस्तों 15 का ऑफसेट लगाना है इस लाइन का, हमें 15 का ऑफसेट लगाना ताकि हमें ये लाइन मिलेगा, ठीक है। कमांड लेते हैं डिराइड लाइन, इसके ऊपर एक क्लिक, फिर इस साइड 15 करके एंटर, फिर एक बार एस्केप लगाना दोस्तों। अब इस लाइन का हमें ऊपर ऑफसेट लगाना है, यहाँ पे दिया हुआ है 22, ठीक है ना, 22 यानी इस लाइन से, इस लाइन का डिस्टेंस है 22, इसके ऊपर एक क्लिक, फिर ऊपर 22 करके एंटर और एस्केप। अब दोस्तों इस दोनों लाइन को यहाँ पे ट्रिम कर देते हैं, क्विक ट्रिम कमांड, इसको ट्रिम और इसको ट्रिम। अब लाइन कमांड का उपयोग करके हम यहाँ पे एक क्लिक और यहाँ पे एक क्लिक, फिर यहाँ पे एक क्लिक और यहाँ पे एक क्लिक, ठीक है दोस्तों। इतना ड्राइंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इस लाइन का हमें ऑफसेट लगाना है इस तरफ 70, यहाँ पे दिया हुआ 70, ठीक है ना। तो कमांड लेते हैं डिराइड लाइन, इसको क्लिक, फिर इस साइड 70 करके एंटर, फिर एक बार एस्केप लगाना है और इस लाइन का ऑफसेट ऊपर की ओर लगाते हैं 40, यहाँ पे दिया हुआ 40, तो इसको क्लिक, फिर ऊपर की ओर 40 करके एंटर, फिर एस्केप लगा देना है दोस्तों। अब लाइन कमांड लेके एक क्लिक यहाँ पे और एक क्लिक यहाँ पे, फिर इस दोनों लाइन को हमें डिलीट कर देना है दोस्तों। ये हमारा स्केच रेडी हो चुका है। अब फिनिश स्केच दे देना है, ठीक है दोस्तों। अब हमें एक्सट्रूड कमांड का उपयोग करना है, इसको मैं सीधा कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। कमांड लेते हैं एक्सट्रूड, यहाँ पे सिंगल कर्व रख देते हैं हम, सिंगल कर्व, इसको क्लिक, डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन, फिर इसको क्लिक, इसको भी क्लिक, इसको भी क्लिक, इसको भी क्लिक, यहाँ पर इसको भी क्लिक और इसको भी क्लिक, ठीक है दोस्तों। एक्सट्रूड हाइट है हमारा 64, यहाँ पे दिया हुआ 64, तो यहाँ पे लिख देना है 64 और यहाँ पे रखना है नन, ठीक है ना, और अप्लाई दे देना है। अब दोस्तों इस प्रोफाइल को हम एक्सट्रूड करते हैं। इस प्रोफाइल को एक्सट्रूड करने के लिए पूरा ये प्रोफाइल जो है इसको हम सिलेक्ट करते हैं, लाइन को सिलेक्ट करना है, लाइन रिवर्स डायरेक्शन,
इसके ऊपर एक क्लिक और एक इसके ऊपर क्लिक, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो थिकनेस है वो दिया हुआ है 12, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 64 है, 64 का आधा है 32, ठीक है ना। 32 पे हमारा सेंटर आएगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 32 माइनस 6 और एंटर, यानी ये फेस, ये जो फेस है, ये वाला फेस यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे करना है 32 प्लस 6 और एंटर। तो ये हमारा जो ड्राइंग है वो सेंटर में आ चुका है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं क्या किया हमने, स्टार्ट का जो वैल्यू है वो दिया 32 माइनस 6, यानी सेंटर से 6 mm इस तरफ, और इसके बाद एंड का जो वैल्यू है, एंड का डिस्टेंस यहाँ पे, तो वो हमने क्या दिया, 32 प्लस 6, ठीक है ना दोस्तों। अब अप्लाई दे देना है, तो इतना ड्राइंग हमारा कंप्लीट हो चुका है, और कैंसिल यहाँ पे दे देते हैं दोस्तों। अब हमें यहाँ पे फिलेट लगाना है, फिलेट जिसका डिस्टेंस है 16 और हाइट भी 16, ठीक है ना। कमांड लेते हैं, चैम्फर कमांड, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पर भी एक क्लिक, और यहाँ पे रखना है हमें सिमेट्रिक, दोनों साइज एक ही है, 16 और इस साइड भी 16, तो यहाँ पे सिमेट्रिक रखना है और यहाँ पे लिख देना है 16 और ओके दे देना है, ठीक है दोस्तों। अब हमें यहाँ पे एक डोवटेल स्लॉट बनाना है, ये वाला। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्केच में जाएंगे, फिर इस सरफेस के ऊपर एक क्लिक लगाएंगे और ओके दे देते हैं। यहाँ पे दोस्तों इस जगह पे हमें ये डोवटेल स्लॉट बनाना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस लाइन का ऑफसेट लगाते हैं ऊपर की ओर 12, यानी ये वाला लाइन हमें मिलेगा, ठीक है ना। कमांड लेते हैं डिराइड लाइन, इसके ऊपर एक क्लिक, फिर ऊपर 12 करके एंटर, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से एक लाइन हमें बनाना है, लाइन कमांड, यहाँ मिड पॉइंट पे एक क्लिक, फिर यहाँ तक एक क्लिक। अब इस लाइन का ऑफसेट दोनों साइड लगाना है हमें 15 15, 30 है ना, तो 15 15 ऑफसेट लगाना है। कमांड लेते हैं फिर से डिराइड लाइन, इसके ऊपर एक क्लिक, 15 करके एंटर, फिर से कमांड लेते हैं हम डिराइड लाइन, इसके ऊपर एक क्लिक, इस साइड 15 करके एंटर, फिर एस्केप, लाइन कमांड। अब यहाँ से दोस्तों हमें एक लाइन बनाना है, स्टार्ट पॉइंट, यहाँ से एक लाइन बनाना है जिसका एंगल रहेगा 60 का एंगल, यहाँ पे दिया हुआ 60 का एंगल, तो 270 में से हमें 30 कम करना है, 270 में से 30 कम करना है, लेंथ में सिर्फ एंटर दे देना है। अब 270 माइनस 30 और एंटर, ठीक है दोस्तों। सेम इस साइड करते हैं, 270 प्लस 30, लेंथ में सिर्फ एंटर देना है, और यहाँ पे लिख देते हैं 270 प्लस 30 यानी 300 करके एंटर, ठीक है दोस्तों। तो इतना ड्राइंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब लाइन कमांड लेके हम यहाँ से एक यहाँ तक लाइन बना लेते हैं। अब जो नहीं चाहिए उसको हम डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट, इसको भी डिलीट, बाकी सब ट्रिम कर देते हैं, इसको ट्रिम, इसको ट्रिम, इसको भी ट्रिम और इसको भी ट्रिम, ठीक है दोस्तों। तो ये स्केच हमारा रेडी हो चुका है, अब हमें फिनिश स्केच दे देना है। अब इसको, इस इतना जो प्रोफाइल है इसको हमें एक्सट्रूड करना है, कमांड लेते हैं एक्सट्रूड, इस प्रोफाइल को सिलेक्ट करना है हमें स्टेप बाय स्टेप, डायरेक्शन चेंज कर देना है, यहाँ से यहाँ पे 0 कर देना है, पूरा प्रोफाइल हमें सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। अब ये जो पूरा स्लॉट है थ्रू करना है, तो इसके लिए सिर्फ एरो के ऊपर क्लिक दबा के रखना है, ये जो एरो है इसके ऊपर जाके क्लिक दबा के रखना है और खींच लेना है, ठीक है ना, ऐसे,
और यहाँ पे रख के क्लिक छोड़ देना है, और यहाँ पे रखना है सबट्रैक्ट, सबट्रैक्ट, और इस बॉडी के ऊपर एक क्लिक करना है, इस बॉडी के ऊपर एक क्लिक करना है और ओके दे देना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो चुका है, मॉडल 3D मॉडल कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों ड्राइंग को समझने में कुछ भी दिक्कत हुई है या कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ इसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू।